नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। न्यू डाइट सिस्टम मतलब कि हमने इतनी सारी 1000 जैसी वीडियो बनाई है, उसमें से जो मेन वीडियो है उसका नाम है एनिमा। तो एनिमा की भी हमने 25 से भी अधिक वीडियो बनाई है। इसका कारण यही है कि अगर पेट साफ होगा तो कोई रोग होंगे नहीं, वो चाहे एक दिन का बच्चा है या 100 साल का बुजुर्ग है, सबका पेट अच्छा रहना चाहिए। उसके लिए पेट की सफाई करनी जरूरी है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है एनिमा। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एनीमा से वीकनेस नहीं होती है। इतने सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं सुबह से लेके रात तक और पूरे महीने तक और पूरे साल भर, क्योंकि लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि एनीमा करने से वीकनेस हो जाती है। तो आज की मेरी टॉपिक जो है उसका वो क्लैरिफिकेशन है कि एनीमा से वीकनेस नहीं आती है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है एनीमा से स्ट्रेंथ, मतलब कि एनीमा से ताकत आती है। तो लोगों के दिमाग में क्यों ऐसा होता है कि एनीमा से वीकनेस आ जाती है? आप एक बात समझो कि जैसे घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो घर का पूरा कचरा जो है वो बाहर निकल जाता है। अब आप ऐसा तो कभी नहीं करते कि वो पूरा का पूरा झाड़ू और कचरे से जो भी कचरा निकलता है उसको आप बाहर फेंक देते हो कि घर में वापस फेंक देते हो? तो बाहर फेंक देते हो, इसका कारण ये है कि वो गंदगी थी तो उसको घर में नहीं रखनी थी तो उसको आपने बाहर फेंक दिया, फिर से वापिस घर में नहीं लाते हैं। वैसे ही एनीमा ऐसी चीज है कि हमारे आंत में, हमारे पेट में, हमारे पेट के अंदर जितना मल है वो सारा का सारा मल को बाहर उखाड़ के फेंक देते हैं, और वो भी सिंपल टैप वाटर से, मतलब नल के पानी से, बाथरूम के पानी से। इसमें हमें कोई दवाई नहीं डालनी होती है और कोई भी ऐसी चीजें नहीं लानी है कि जिससे हमें हार्मफुल हो, जिससे हमें नुकसान हो। तो सिर्फ टैप वाटर, मतलब कि बाथरूम में जो आता है, अगर नॉर्मल वाटर आता है तो उससे ही एनीमा से सफाई करनी है। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हमारे जो बाथरूम में नल में जो पानी आता है वो बहुत ही खारा आता है, मतलब कि सॉल्ट वाला होता है, तो क्या उससे पेट में नमक जमा हो जाएगा या इससे बीपी बढ़ जाएगा? तो इससे कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ पानी हमारे पेट में से निकल के कचरे को बाहर फेंक देता है। तो आप सोचिए कि जैसे पेट में से गंदगी निकल गई तो आपको लगता है कि वीकनेस आ गई। ये बिल्कुल गलत बात है, वीकनेस नहीं आती है। मैं ये समझाती हूँ आपको कि कैसे, कि आपने एक बार एनीमा किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, 10 बार किया, तो क्या निकलेगा? गंदगी। ऐसी गंदगी कि जो हम घर में नहीं रखना चाहते, ऐसी गंदगी कि जो हम शरीर में वापस नहीं डालना चाहते, ऐसी गंदगी कि जो हम भर के फ्रिज में नहीं रखते हैं, बॉटल में फिर से रख नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इतना स्ट्रांग, इतना कुछ हमारे पास लिक्विड, कुछ पेय आ गया था पीने लायक कि हम उसको बॉटल में भर के पी लेंगे। इतनी गंदगी निकलती है, इतनी काले कलर की निकलती है, इतनी बदबूदार निकलती है, उसमें से कीड़े निकलते हैं, जो पेट के अंदर रहेगा तो बीपी आएगा, डायबिटीज आएगा, छोटा बच्चा है तो रोता रहेगा, या तो बड़ा बच्चा है तो उसको गुस्सा आएगा, या तो फिर उससे भी ज्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, जॉब में मन नहीं लगेगा, रोग आएंगे, कैंसर हो जाएगा, इतनी खतरनाक बीमारियां आती है। और आप बोलते हो कि एनीमा से वीकनेस आ जाएगी। एनीमा से पेट की सफाई होती है, पेट की सफाई से मन शुद्ध होता है, तन शुद्ध होता है, आर्थिक परिवर्तन आता है, शारीरिक परिवर्तन आता है, मानसिक परिवर्तन आता है, स्पिरिचुअल आपके दिमाग में फर्क आता है। तो ये सारा का सारा कब होगा? जब आप एनीमा से गंदगी निकालोगे। एनीमा करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, रात को करो, खाने से पहले करो, खाने के बाद में करो, खाते खाते भी करो। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है तो खाते खाते भी कर सकते हो, लेकिन एनीमा करना जरूरी है। और इसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक बार एनीमा का पॉट हमसे मंगवा लीजिए और उसकी जो सॉफ्ट कैथेटर आती है, आप
ऑनलाइन मंगवाओगे या कहीं मेडिकल स्टोर में से लाओगे तो उसकी कैथेटर जो है वो बहुत ही हार्ड आती है, पेन की तरह एकदम कड़क आती है, तो वो आपके मल द्वार में चुभ जाएगी, लग जाएगी, खून निकल जाएगा, दर्द होगा, ये सब होगा। कोई हार्मफुल नहीं है, इसकी आदत पड़ जाएगी तो अच्छी आदत है। ये नेचुरल कॉल से भी ज्यादा अच्छी चीज है कि आपकी पेट में जितना भी मल है जो बन चुका है, खाना हजम हो चुका है, पेट में पड़ा हुआ सड़ रहा है, जिसके कारण आपका पेट बाहर आ जाता है, जिसके कारण आपके पैर दुख रहे हैं, बैक पेन हो रहा है, जितने भी प्रॉब्लम शरीर में होते हैं वो सारा रिलेटेड है आपके पेट से। तो पेट में हर रोज एनीमा करना है, सिर्फ एक दिन नहीं, लगातार 10 साल तक, या आप जितने साल तक जीते हो उतने साल तक। क्यों? क्योंकि आप आपके घर में झाड़ू पोछा पूरी जिंदगी करते हो, कपड़े धोते हो पूरी जिंदगी, बर्तन धोते हो पूरी जिंदगी, घर को डस्टिंग करते हो, झपट झुपट करते हो, वो जो भी करते हो सफाई करते हो, तो वैसे ही ये सफाई है। आप एक बार सोचो कि आपने एक खिचड़ी बनाई जो कुकर में बनाई, वो कुकर रात को धोना रह गया, और फिर सुबह धोते हो तो उसमें ढेर सारा पानी डाल के आपको बहुत हिलाना पड़ेगा, साबुन डालना पड़ेगा, उसको रगड़ना पड़ेगा, तभी वो चावल वाली खिचड़ी वाली जो आपका कुकर है वो साफ होता है। सेम वही प्रक्रिया पेट के अंदर होती है कि पेट के अंदर वही खाना जो है वो चिपक जाता है और वो रोग में ट्रांसफर होता है। उसमें गैस होता है, एसिडिटी होता है, उसमें वायु हो जाता है, कब्ज होता है, डगार आती है, आपको बार बार वायु पास होता है। तो ये सारा का सारा प्रॉब्लम ये है कि आपने जो गलत खाया है, आपने जो मृत भोजन खाया है, वो मृत भोजन जो है वो निकालना पड़ेगा। अगर आपने जीवंत भोजन खाया है, जैसे कि ये नारियल का है, मैं नारियल के पेड़ के नीचे खड़ी हूँ और अभी अभी ये नारियल टूट के नीचे गिर गया, तो ये नारियल पानी आप पूरे दिन पियोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये नारियल खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये नारियल की चटनी बना के खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपने क्या खाया? रोटली खाई, रोटला खाया, भाखरी खाई, पूरिया खाई, पराठा खाया, तो ये चावल खाए, जितनी भी चीज है वो मृत हो गई। तो आपने उसको आग पे चढ़ा दिया, वो मृत हो गई और वो आपके पेट में चिपक जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सुबह में, दोपहर में, शाम को हो, रात को, जितना भी खाना हो वो खा सकते हो, उसमें 80% 50% रॉ फूड आपको खाना चाहिए, तो आपके शरीर में बीमारी नहीं होगी। पेट के अंदर से इतनी काली गंदगी निकलती है और आपको लगता है कि वीकनेस हो गई, तो आप ऐसा कीजिए, 2 ग्लास नींबू का पानी पी लीजिए, 2 ग्लास ऑरेंज का जूस पी लीजिए, या फिर 2 ग्लास नारियल पानी पी लीजिए, ऐसा कुछ भी कर सकते हो, 2 केले खा लीजिए, 2 नींबू का जूस पी लीजिए 2 ग्लास, तो भी आपकी वीकनेस जो है दूर हो जाएगी, क्योंकि शरीर में वो गंदगी निकल गई है, तो भी आपको ऐसा फील होता है कि मेरे शरीर में से कुछ निकल गया, लेकिन वो जो निकल गया वो गंदगी थी, वो ऐसी चीज नहीं थी कि जिसको हम पेट में वापिस रख सके या फिर उसको फ्रिज में भर सके या उसको किचन में भर सके। देखिए, यहाँ पे इतनी सारी प्रकृति है, इतने सारे पेड़ है, इतने सारे पौधे हैं, कोई भी पेड़ है, कोई भी पौधा है, उसका ग्रीन जूस बना के भी आप पी सकते हो कभी भी, तो आप हेल्दी रह पाओगे। तो आज से आपको क्वेश्चन जो है उसका मैंने आंसर दे दिया है, अब आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, एनीमा से डरना भी नहीं है, और अगर आपको एनीमा पॉड चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप ऑर्डर कर सकते हो आज ही। और आपको वेबसाइट चलाना नहीं आता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर भी आप ऑर्डर कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आप आके निशुल्क में मिल सकते हो, हम कोई चार्ज लेते नहीं है और हम प्रकृति को जो है वो फॉलो करते हैं, और आपको भी हम कहते हैं कि प्रकृति से जुड़ जाइए। जितने भी लोग नेचर से जुड़ जाते हैं वो सारे के सारे लोग जो है वो सुखी हो जाते हैं। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।